जल्दी चलो, हमें शाम तक उस हॉर्स को ढूंढना होगा। पर रुद्रा, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ मिलेगा। बहुत चलो, हम उसे जल्दी ढूंढते हैं। वहाँ चलते हैं। वाह, ये कितना क्यूट है। कौन है वहाँ पर? हाय सेंटोर। हाय, बोलो रुद्रा, कैसे आना हुआ? सेंटोर, हमें दादाजी ने भेजा है। सन सिटी और काल सिटी के बीच एक हॉर्स रेस होने वाली है, मैं भी उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। और तुम्हें ऐसा हॉर्स चाहिए जिस पर शाकाल या उसका कोई आदमी मैजिक करके अपने कंट्रोल में ना कर सके। क्यों? अरे कर भला तो हो भला सेंटोर, तुम्हें तो सब पता है। यहाँ से हमारे बर्ड्स हर जगह उड़ते हैं और हर तरह की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं। दादाजी ने बताया था कि यहाँ जॉयलैंड में एक ब्लैक हॉर्स है, उस पर किसी के मैजिक का असर नहीं होता। यस रुद्रा, इन्फॉर्मेशन सही है। उसका नाम ब्लैक डॉन है, लेकिन वो अपने ऊपर किसी को राइड नहीं करने देता। तुम कोशिश करके देख सकते हो, इस समय वो अक्सर वाटरफॉल के पास मिलता है। रुद्रा, हम यूनिकॉर्न से हेल्प क्यों नहीं मांग रहे हैं? उस पर मैजिक का इफेक्ट होने के चांसेस कम है। व्हाइट यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। मेरे ख्याल से शाकाल ने जानबूझकर ये रूल बनाया है ताकि हम यूनिकॉर्न का यूज ना कर सकें। व्हाइट यूनिकॉर्न मना है तो ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू और किसी कलर का यूनिकॉर्न क्यों नहीं यूज कर लेते? अरे वरुण, तुम रहने दो। और किसी कलर का यूनिकॉर्न होता ही नहीं, लेकिन सुना है कि ब्लैक कलर का यूनिकॉर्न होता है। अगर तुम ब्लैक हॉर्स ले जाते हो तो तुम रेस जीत सकते हो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो रहा ब्लैक डॉन। ब्लैक डॉन, मेरा नाम रुद्रा है, हमें आपके हेल्प की जरूरत है। सन सिटी को आपकी जरूरत है। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मानोगे नहीं। प्लीज मान जाइए। रुक जाओ दोस्त, मेरी बात मानो। शायद उनको ब्लैक हॉर्स मिल गया। ब्लैक डॉन, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, हमारी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्लीज हमारी मजबूरी समझिए। हे रुद्रा, तुमने कर दिखाया। आई कांट बिलीव दिस रुद्रा, तुम वर्ल्ड के पहले मजिशियन हो जिसने ब्लैक डॉन को कंट्रोल किया है। बेस्ट ऑफ लक, रेस तो तुम ही लोग जीतोगे क्योंकि ये हॉर्स सबसे पावरफुल है जिसे कोई नहीं जानता। टाइम आने पर ही तुम्हें पता चलेगा। रेस शुरू करने का वक्त हो चुका है। रुद्रा कहाँ है? हाय एवरीवन। क्या ये वही ब्लैक हॉर्स है जिसे हम लेने गए थे? लगता तो वही है। ठीक है ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। रेस शुरू होने से पहले सब बच्चे एक बार रूल सुन लें। रूल नंबर वन, कोई भी मैजिक करके रेस को जीतने की कोशिश नहीं करेगा। जो हॉर्स पे मैजिक करके रेस जीतने की कोशिश करेगा वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। रूल नंबर टू, एक दूसरे पर भी मैजिक करना अलाउड नहीं है।
रूल नंबर 3, रास्ते में हमने बहुत से ऑब्स्टिकल लगाए हैं। उन ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए सिर्फ हॉर्स राइडिंग के ट्रिक अलाउड है। रूल नंबर 4, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी जान को कोई खतरा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए मैजिक यूज कर सकते हैं। सो एवरीवन रेडी? रेस स्टार्ट की जाए। ओके, ऑन योर मार्क्स गो। अरे गेट सेट तो बोला ही नहीं। रूल्स में ये कहीं नहीं लिखा है कि ऑन योर मार्क्स के बाद गेट सेट भी बोलना जरूरी है। अरे तो क्या हुआ, सब आगे निकल गए। जल्दी जल्दी दौड़ो। हाँ हाँ दौड़ो। जॉडी, रुद्रा, मायरा और वरुण सबसे पीछे हैं। शाकाल मामू की ट्रिक काम आई। कमॉन दोस्त, हमें हार्डल किसी भी तरह पार करना है। चलिए दादाजी, नाश्ता तैयार है। सर मैजेस्टिक को चलिए डाइनिंग हॉल से रेस मॉनिटर करते हैं। अब आएगा रेस में मजा। तैयार हो जाओ रुद्रा। ओ नो, लेग डॉट, संभल के। रुद्रा, फंस गया। अब क्या करेगा रुद्रा? अरे ये तो दलदल है। ये हमारे हर्डल्स नहीं है। रुद्रा रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। नहीं मायरा, मैजिक मत करो प्लीज। मैजिक मत किया करो। सॉरी, ये ऑब्स्टिकल लाइफ थ्रेटनिंग है। इसका मतलब रुद्रा मैजिक यूज कर सकता है। रुद्रा, इस सिचुएशन में मैजिक अलाउड है, जल्दी कुछ करो। रेड डॉन, इतना तेज दौड़ो, इतना तेज दौड़ो कि पिलर के नीचे गिरते गिरते हम दलदल को क्रॉस कर ले। वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल है, क्या दौड़ लगाई है। चुप करो, तुम मेरे साइड में हो। लगता है ये वही हॉर्स है जिसे लेने हम जंगल गए थे। हाँ हाँ, आप ही की साइड में हूँ, पर भागा अच्छा ना, भागा अच्छा ना।
अरे ये क्या कर दिया आपने? सॉरी शाकाल, सॉरी। तो मैं इसे जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। अरे ये लोग तो हमसे आगे चले गए। अब क्या करेगा रुद्रा? क्या तैर के जाएगा? जब 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 ब्लैक डॉन, क्या तुम पानी के अंदर से जा सकते हो? जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ लगा लो, मैं तब तक अपनी सांस को रोक कर रखता हूँ। के ऊपर से पानी के बबल से एक लाइन से बनते नजर आ रहे हैं। क्या रुद्रा और हॉर्स पानी में डूब रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो डूब रहे होते तो सिर्फ एक ही जगह बबल्स निकलते दिखाई देते। ये पूरी लाइन बबल्स की दिख रही है। इसका मतलब पानी के अंदर ये हॉर्स बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा है। शाकाल, क्या बात है, रुद्रा ने क्या एंट्री मारी है, वाह! फिर से नहीं शाकाल। शाकाल, सॉरी सॉरी, माफ कर दो। अब मैं उसकी कोई तारीफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या बात है, क्या बात है, ये तो मानते हैं ना कि क्या एंट्री मारी थी उसने। जयसिंह चौहान, ये क्विक सैंड पिट और लेक जैसी ऑब्स्टिकल्स तो हमने रेस के लिए प्लान ही नहीं किए थे, क्या ये तुमने किया है? नहीं सर मैजिस्टर को, ये दोनों ऑब्स्टिकल कब और किसने डाले ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन रुद्रा ने जो मैजिक यूज किया वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। कोई तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है शाकाल? शाकाल, तो शाकाल अपनी इमेज यहां छोड़ गया और खुद रुद्रा की राह में रोड़े अटकाने गया है। अगर इसी तरह दौड़ता रहा तो जेनी जॉडी जीत नहीं पाएंगे। मुझे फिर कुछ मैजिक करना पड़ेगा। ये क्या? ब्लैक यूनिकॉर्न! अरे ये क्या, इस
उसकी सींग निकली हुई है। ये ब्लैक यूनिकॉर्न है क्या? नहीं नहीं, यूनिकॉर्न होता तो उसके विंग्स भी होते। मुझे पता था कि ये ब्लैक यूनिकॉर्न ही है। अरे ब्लैक यूनिकॉर्न होते हैं क्या? मैं तो सोचता था नहीं होते हैं, मुझे तो ये काल्पनिक ही लगते थे। अब क्या करूं? ये रुद्रा तो जीत रहा है। चुटकी बजाने की जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। सर मजिस्ट्रिकों को पता चल गया है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। रुद्रा, तुमने सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके रेस जीत ली। इस ट्रॉफी के असली हकदार तुम ही हो। और शाकाल, तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो, तुम्हें चीटिंग करने के लिए सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू सर मजिस्ट्रिको, थैंक यू वेरी मच ब्लैक डॉन। तुम्हारी वजह से हम ये रेस जीते, तुमने अपना असली रूप हमें दिखाया, उसके लिए थैंक यू। हम सब तो यही सोचते थे कि ब्लैक यूनिकॉर्न एक मिथ है, एक कल्पना है। तुमने हमारी इतनी मदद की, थैंक यू वेरी मच। तुम अब जा सकते हो।